अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं शिगर हशुपी से। केलन और ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल हशुपी से एक आगाही मुहिम रैली का इनेकाद किया गया, जो कि हशुपी बाग तक पहुँच कर इख्तिताम पज़ीर हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सज्जाद हुसैन शिगरी से। जी सज्जाद जी, आज हाई सेकेंडरी स्कूल हशुपी से एक आगाही मुहिम रैली निकाली गई, जो क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के नाम से जो हशुपी गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल हशुपी से होता हुआ हशुपी बाग तक निकाली गई। तो इस रैली में असिस्टेंट कमिश्नर शिखर भी मौजूद थे। तो इस रैली के हवाले से हम यहाँ के असाध्या से कुछ सवाल पूछेंगे। जी सर, ये रैली निकाली गई इस रैली के हवाले से, आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये जो रैली निकाली गई, ये हमारा जो ग्रीन एंड ग्रीन पाकिस्तान कैंपेन के हवाले से था, और इसमें हमारी मेन मकसद है वो लोगों को अवेयरनेस देना था कि वो कैसे अपने एनवायरनमेंट को, माहौल को साफ रख सकते हैं। तो हमने अपने स्कूल से ये रैली निकाली और यहाँ के बाद तक और बाद से हमने सफाई भी करवाई है जितने हमसे हो सकते थे। हमारा मेन जो मकसद था वो लोगों को जस्ट शोर देना था कि अपने एनवायरनमेंट को साफ रखें। सर, इस रैली की मकसद इसका मेन मकसद तो यही था कि अपने एनवायरनमेंट को साफ रखें और माहौलियाती आलूदगी, जो कि इस वक्त पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मसला है, उससे बचाने के लिए आपको अपने नियमों के साथ रखना आपकी बेसिक जिम्मेदारी है। सर, इस रैली के हवाले से, रैली के जरिए आप लोगों को क्या मैसेज और पैगाम देना चाहिए? लोगों के लिए पैगाम यही है कि एक तो अपने जो इन्वायरमेंट है उसको क्लीन रखें, और फिर एक ग्रीन पाकिस्तान, उसमें जिस तरह से पहले भी तकरीब में भी बात हो गई कि पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं और उनकी हिफाजत करें। सर, यार जब आप ये रैली निकाली गई तो यहाँ के लोगों के क्या तासरत थे इस रैली के हवाले? लोग इस रैली को देख कर बड़े खुश थे, और लोग भी समझते हैं कि ये सबकी जिम्मेदारी है, और लोगों तक जो पैगाम हम पहुँचाना चाह रहे थे वो पहुँच गए, और लोग तो लेकिन उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। जी शुक्रिया जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे मुख्य तालीम शिले के नुमाइंदे भी मौजूद थे, हम उनसे पूछते हैं। जी सर, इस रैली को निकालने के मकासद के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर बिस्मिल्लाह, इस रैली का असल मकसद तो लोगों को सफाई के साथ रखते हैं, खुद भी साफ रहें और सफाई के साथ साथ हमारे हमारे जो इसमें हमारे पोल्यूशन बहुत काफ़ी फैल रही है, तो इस पोल्यूशन को लोगों को आगाह करना था कि आप जब यहाँ आते हैं टूरिस्ट, तो इसको हमारी इस खूबसूरत जगह को आप पोल्यूट नहीं करें, आलूदा नहीं करें। तो यही पैगाम था कि आप खुद भी हमारे जगह को भी साफ रखें, और साथ साथ इस मुहिम ये जो हाई स्कूल मुहिम चलाई थी कि इससे तरह लोगों को पैगाम देना था कि हम किस तरह अपने माहौल को साफ रखें। तो ये आगाह था, बच्चों ने भी साफ किया, जो दिखाया लोगों को कि हम उनको साफ देना चाहते हैं और आप भी हमारे लिए साफ रखें। मज़ीद अपडेट्स के लिए जीबी ट्रू न्यूज़ एसटी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिल सकें।